आर्टिकल 370 जब वापस लिया तो आपको इस बात की चिंता नहीं थी कि ये मिडिल ईस्ट के देश नाराज हो जाएंगे, कोई अरब कंट्रीज हमसे नाराज हो जाएंगे, हमारे चार काम बंद कर देंगे? अब देखिए, बहुत अच्छा सवाल है और ये जवाब मेरा शायद थोड़ा लंबा हो जाएगा और शायद पहली बार मैं इस विषय को आपने मुझे ऐसी जगह पे छू लिया है कि शायद मैं कोशिश कर रहा हूं इसको आर्टिकुलेट करने की, क्योंकि एकदम से आपने पूछा है तो। लेकिन हमारे देश में जब भी कश्मीर की बात आती थी तो 70 साल तक इसको इंटरनेशनलाइज किया गया, दुनिया का हर देश कश्मीर के मुद्दे पर भारत को कटघरे में खड़ा करता था। थोड़ी बहुत अटल जी ने कोशिश की थी कि टेररिज्म को सेंटर पॉइंट लाए, लेकिन कुल मिलाकर के दुनिया में, और इसलिए 370 के संबंध में भी ये स्वाभाविक था कि दुनिया कोई बहुत बड़ा नाराजगी व्यक्त करेगी। हुआ उल्टा, दुनिया ने जितने देशों को लोग मानते थे कि इन मुद्दों पर भारत पर वो नाराजगी व्यक्त कर सकते हैं, भारत को घेर सकते हैं, अधिकतम लोग मौन रहे। जिन्होंने कहा वो ये कहा कि ये उनका इंटरनल मामला है। दुर्भाग्य ये है कि अरब देश तो शांत रहे, दुनिया के सभी इस्लामिक देश शांत रहे, मेरे देश की कांग्रेस चू चू करती रही। ये मेरे दिमाग में नहीं बैठ रहा है। ये इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसी मानसिक विकृतियों से भरी पड़ी हुई इनकी सोच है